नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार शाह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी गुंजा टेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक समस्या सामने आ रही है जिसमें लोगों का फेसबुक हैक हो रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है। उन्हें पता जब चल रहा है जब कोई उनका दोस्त या रिलेटिव फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई तुमने ये पोस्ट क्यों डाली। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं हमारा फेसबुक हैक तो नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको दो तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फेसबुक हैक है या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसे जानने के लिए लास्ट तक मेरा वीडियो को देखते रहिए और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि हमारा फेसबुक हैक है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फेसबुक अकाउंट में जाना होगा। चलते हैं फेसबुक में। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि हमारा फेसबुक हैक है नहीं, सबसे पहले हमें फेसबुक के अंदर आना होगा। फेसबुक के अंदर आने के बाद ये जो तीन डॉट दिखाई दे रहा है, तीन लाइन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सेटिंग, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग का, इसके बाद क्लिक करने के लिए आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों, इसमें जो सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी वाला ऑप्शन, इसके अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके एकदम नीचे आएंगे और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इफ़ यू थिंक डैट योर अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड, ये वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये पूछ रहा है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको यह फेसबुक हैक हो चुका है। तो इसमें जो ये सेकंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, समवन एल्स गॉट इन टू माई अकाउंट विदाउट माई परमिशन, यानी कि मेरे अकाउंट में कोई घुस गया है बिना मेरे परमिशन के, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये गेट स्टार्टेड है, ये गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद ये हमारा एक्टिविटी का ऑप्शन आ गया है, इसमें वो सारे एक्टिविटी दिखेंगे जो हमने किया है। इसमें हम इसमें क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं वो एक्टिविटी हमने हमारे अलावा कोई और तो नहीं किया है। तो इसके लिए हम पूरा अपना सारा एक्टिविटी देखेंगे। इसमें जो ये पोस्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सारे पोस्ट आ जाएंगे। ये सारे पोस्ट हम चेक कर लेंगे कि ये हमने ही किया है या किसी और ने तो नहीं कर लिया है। जब हम वेरीफाई हो जाएं कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो बैक के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ये जो कमेंट वाला सेक्शन है, इसके ऊपर हम कमेंट पे क्लिक करके चेक करेंगे। इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये जितने भी कमेंट्स ये हमने किए हैं या कोई और किया है, तो हम इसमें सारा देख लेंगे। देखने के बाद यदि इसमें कोई और किया है कमेंट से आपके अलावा कोई और किया हुआ है, ये जो बॉक्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद डिलीट कंटेंट, डिलीट कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सब कुछ चेक करने के बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हम दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, इससे हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हाँ हमारा फ़ोन हैक है या नहीं। तो ये जो तीन लाइन है, इसके ऊपर फिर से हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोबारा से ये सेटिंग वाले ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद हम दोबारा से सिक्योरिटी और लॉगिन वाले ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेयर यू आर लॉग्ड इन, इसमें सी ऑल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो इसके अंदर आने के बाद हमारा जो फेसबुक अकाउंट है, जिस जिस मोबाइल में या जिस जिस डिवाइस में ओपन है, वो सारा शो करेगा। तो यदि अगर मेरे में तो कोई नहीं है तो शो नहीं कर रहा है, यदि आपने शो करता है तो उसके बगल में तीन डॉट दिखाई देंगे, उस तीन डॉट पर क्लिक करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं और इस तरह आप पूरी तरह अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।